ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। मजबूरी होखा काम सौखा हो जाता है। मतलब इस तू औखा काम करे अच्छा, मतलब इटा उटा भी चख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। कौन करा अपने को मजबूरी ते मजदूर जुड़ी हुई है ना? मजबूरी है ते मजदूर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन कौन से औखे काम किए हैं? किन्ने साल हो गए? अठ फुट मिट्टी साई फुट लेंदे तुसी? अठ घंटे मेहनत? मेहनती खून पसीना एक कर लगे सी, अज 300 रुपए दिहाड़ी चल रही है। ठीक है, ता भी इत्थे 40 रुपए घंटे ते नहीं आए, 30 रुपए घंटे ते आए हैं। मेहनत ही इन्होंने अपनी तपस्या मनी हुई है। जे आप भी अपना मेहनत में एक तपस्या मान लीए तो साड़ी मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। अब तुम महसूस हो रहा है कि जब तुम्हारी लेबर की जाती है तो मजबूरी खत्म हो जाती है। मजबूरी खत्म हो गई है, अपन अज की मजबूरी खत्म करना है। खून पसीना एक करना है, कल बारे नहीं सोचना। कल अज मतलब अज तुम राशन ले जाओगे, ठीक है, नाले तुहानू 1:30 बजे छुट्टी मिल जाएगी। घर के छोटे मोटे काम कर सकते हो, ठीक है। ते ए दसो के तुसी अपने जब काम कर दे, ध्यान तुहाडा किथे हुंदा है? मेरा ध्यान अपना काम ही हुंदा है। अच्छा, काम किन्नी वड्डी गल है। वड्डे लोग भविष्य च अपना ध्यान रखते हैं, पिछे करते हैं। एक मजदूर बंदा हमेशा ही अपने काम में ध्यान देता है, क्यों? उसकी मजबूरी है, वह उस काम नूं देखना है। यानी तुसी 4-5 घंटे 10 बजे आए सी, 1-2-3-4 घंटे तो सिर्फ लकड़ा ही ध्यान सी। लकड़ा कि छेती और छेती अपना लकड़ा कट दी। वाह जी वाह, बहुत धन्यवाद जी।